सो आई गेस तन्वी इज सेट फ्रॉम वेजीपाजी और ये है लास्ट एपिसोड ऑफ द मुंबई फूड सीरीज. अगर आपने मुंबई फूड सीरीज पूरी नहीं देखी तो बेसिकली एक 14 एपिसोड की पूरी इलैबोरेट सीरीज है जिसके अंदर हम लोगों ने स्ट्रीट फूड से लेकर मिड साइज रेस्टोरेंट से लेकर एकदम एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट सब कुछ कवर किया मुंबई में जितना कर सकते थे. ऑब्वियसली टाइम कंस्ट्रेंट था, 7 दिन के लिए मुंबई में थे, सुबह से लेकर रात तक बस खाना 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 एक्सप्लोर किया है और बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग वीडियोज ला के दिए हैं आप लोगों को. आप लोगों को उसके अंदर से सरदार पाव भाजी की वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद करी थी, उस पर अभी तक 5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ भी आ चुके हैं. सबसे पहले थैंक यू उस चीज़ के लिए. और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है. उसमें हम लोग खाने वाले हैं 3 अलग अलग टाइप की और 3 अलग अलग जगह से भेलपुरी खाने वाले हम लोग, 2 अलग अलग टाइप के और 2 अलग अलग जगह से पानी पूरी खाने वाले हैं, 1 हम लोग खाने वाले हैं बहुत ही यूनिक पाव भाजी जो सिर्फ मुंबई वाले ही समझ सकते हैं उस पाव भाजी का क्या टेस्ट होता है, 1 हम लोग ऐसी ही यूनिक आलू की डिश खाने वाले हैं जो सिर्फ मुंबई वालों को ही पता होगा क्योंकि वो मुंबई में ही मिलती है, और मैं आपको पिलाने वाला हूँ ऐसी छाछ जिसको पी के आपका मन शांत हो जाएगा और खाएंगे फिर पेड़े. पूरी बंडल्ड वीडियो है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इस वीडियो के अंदर. और अगर आप मुंबई कभी विजिट कर रहे हो या मुंबई में रहते हो और आप ये सारी चीज़ें खाना चाहते हो तो कल ट्रैवलिंग पाजी पे जो मेरा दूसरा चैनल है ट्रैवल वाला जिसके अंदर मैं अक्रॉस इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ उसके अंदर मैं एक वीडियो रिलीज कर रहा हूँ मुंबई फूड सीरीज की जिसके अंदर आपको लोकेशन वाइज फूड ब्रेकडाउन मिलेगा. आपको आप 1 दिन के लिए आएँ तो क्या प्रायोरिटी पे खाएं, क्या पहले खाएं, क्या बाद में खाएं, मल्टीपल डेज के लिए आएँ तो कैसे अपना आइटनरी फूड आइटनरी प्लान करें, बहुत सारी फूड से रिलेटेड चीज़ें मतलब कैसे प्लानिंग करें खाने के अराउंड. तो ट्रैवलिंग पाजी पे टूरिस्टिक प्लेसेस की, म्यूजियम्स की, ट्रांसपोर्टेशंस की, फूड की और बहुत सारी अलग अलग ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस आती है. तो अगर आपने ट्रैवलिंग पाजी को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट जाकर ट्रैवलिंग पाजी को सब्सक्राइब कर लो, लिंक्स यहाँ पे मिलेंगे. और वेजी पाजी को सब्सक्राइब नहीं करा तो किस बात की देर है, नीचे रेड कलर का बटन होगा उसको कर दो ग्रे और नोटिफिकेशन आइकन दबा देना. मुंबई फूड सीरीज तो अब ये लास्ट एपिसोड है, उसके बाद खत्म हो जाएगी. अभी चल रही है कोलकाता फूड सीरीज और अभी मैं निकल रहा हूँ जयपुर. 24 मार्च से 30 मार्च तक आराम से 6 दिन जयपुर में पूरा एक्सप्लोर करेंगे खाना. तो अलग अलग स्टेट्स का वेजिटेरियन खाना आ रहा है, आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. फिलहाल ये वीडियो स्टार्ट करते हैं इन 3, 2, 1 फ्यू. दो देना जरा. ये अभी आप जो देख रहे हैं वो है आलू हांडी चाट और इसके लोकेशन लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. बेसिकली गुरु कृपा जो मैंने आपको साइन में दिखाया था उसी के साथ में ही है और 10 रुपए की 3 आपको ये कैविटीज मिलती है. 10 का 3 है. इसमें आप चने और क्या डालते हैं? चने और मसाला. एक तीखा छोड़ देना. बहुत सिंपल थी इसकी मेकिंग है. बेसिकली आलू के अंदर से कैविटी निकालते हैं, उसके अंदर एक मसाला डालते हैं सुपर स्पाइसी वाला और उसमें इमली का पानी डालते हैं और दे देते हैं. ये क्या रहता है? इमली पानी. इमली पानी. चलो बाबा खाओ. हाउ इज इट? मतलब आप इसको जब पहले टेस्ट करते हो ना आपको एकदम मस्त सा एकदम एक्सप्लोजन आता है अलग अलग फ्लेवर्स का, बट जो इसका आफ्टर टेस्ट है ना भाई साहब इतना स्पाइसी है क्या बताऊँ आपको. आप जाओ तो स्पाइस कम बोलना. उसमें थोड़ा सा मसाला कम कर देंगे? मसाला नहीं नहीं कम कर दो थोड़ा. यहीं पे आ रहे हूँ. मिर्ची बहुत होता है. क्या क्या खाने के? बट सिंपल सी चीज़ है, काफ़ी यूनिक है, काफ़ी डिलीशियस है. बस आप बोलना स्पाइसी कम दे तो मज़ा आ जाएगा आपको खा के, इतना अमेजिंग है. ये बाबा जीरा है क्या? जीरा, धनिया, काली मिर्च, लाल मिर्चा. नहीं ये तीखा नहीं है, ये इमली का पानी है. अच्छा. तीखा ये है. इतना स्पाइसी था कि हम लोगों को जाके रसमलाई खानी पड़ी. तो ये जो चीज़ है ये है बॉम्बे सैंडविच और आप सोच रहे होगे इसमें क्या खास है. तो हम लोग अपनी रसमलाई खाते खाते ये व्यू एंजॉय कर रहे थे और ऐसी चीज़ है ना मुंबई के स्ट्रीट फूड में तो आपको सिर्फ बॉम्बे में ही मिलेगी. चीज़ भर के मतलब आलू वाले सैंडविचेस जस्ट अमेजिंग है. आपको पाव भाजी मिल जाएगी, आपको वड़ा पाव मिल जाएगा अक्रॉस इंडिया, बट आपको ये जो चीज़ है ये शायद आपको कहीं और ना मिले क्योंकि ये सिग्नेचर है बॉम्बे सैंडविच. बाकी मेन्यूज़ में भी अलग अलग सिटीज़ और स्टेट्स में जाओगे तो आपको बॉम्बे सैंडविच के नाम से ही मिलेगा ये. जल्दी चाट पसंद नहीं आती, बट ये तेरी पसंद का रेस्टोरेंट है ना तो इसमें तेरा बायस है ना. अभी हम लोग आए हैं बोरीवली वेस्ट में. आज मैं फिर से ऋषप्रीत के साथ हूँ. हम लोग खा रहे हैं
बोरीवाली में स्ट्रीट गोरवे कैफे में ड्राई फ्रूट भेलपुरी हम लोग खाने तो आए थे, चीज़ मसाला पाव भाजी खाने आए थे हम लोग, बट क्योंकि स्प्रीत के पास जोमेटो गोल्ड है, स्प्रीत के पास जोमेटो गोल्ड है, इसलिए हम लोगों को मिल रही है चीज़ पाव भाजी फॉर फ्री चाट नॉट पाव भाजी। ये जो भेलपुरी है ये चौपाटी भेलपुरी है और इसका नाम चौपाटी जो है ना मेरे हिसाब से ना एकदम सरकाजम मानने के लिए रखा है, सटायर मानने के लिए रखा है, क्योंकि आप चौपाटी में भेलपुरी खाओगे ना आप समझ जाओगे इसका नाम चौपाटी भेलपुरी। ये भेलपुरी जो है पहले मैं खाता हूँ, देखो इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी डले हुए हैं और इसके अंदर चना दाल बादाम काजू मुरमुरे हैं ना अभी तक क्रंची क्रंची। इसकी प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी है ना, लाइक अ पिज्ज़ा, हाँ टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सी यू शुड ट्राई ड्राई फ्रूट वे वे बेटर देन जू चौपाटी मेक्स, दिल्ली में जू चौपाटी से अच्छी चाट मिल जाएगी बिल्कुल। इधर एम्बियंस भी अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है, क्वांटिटी भी अच्छी है। 90 रुपीज़ का प्राइस वही है, थोड़ा थोड़ा आपको पुदीने की चटनी का फ्लेवर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आपको स्वीट सा फ्लेवर आ रहा है, आपको ड्राई फ्रूट्स का अच्छा सा क्रंच आ रहा है, चने का क्रंच आ रहा है, मुरमुरे का क्रंच आ रहा है, सेव आ रही है। और अगर आप चौपाटी भी ये सब खाने जाओगे ना आपको सिर्फ और सिर्फ नोट आएंगे नोट। और यहाँ पे इतनी रीज़नेबल है, 90 रुपीज़ की है। मैं भी रिसेंटली जूह चौपाटी गया था और पता नहीं मैं शायद उसकी चौपाटी की एक वीडियो बनाऊँ कि ना बनाऊँ, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आया था, जचा नहीं। पर ये जो है सेम प्राइस में डबल क्वांटिटी में सेम टेस्ट बेटर एम्बियंस थोड़ा सा चल ठीक है, मतलब चौपाटी का एम्बियंस कंपेयर नहीं कर सकते, पर स्टिल बैठने की जगह है। और भी खाते हैं मेन चीज़ पाव भाजी। मिक्स करें, मिक्स गरम भाजी के साथ गरम चीज़ हो जाएगी ना तो कंटेंट हो जाएगी। हाँ गुड क्वांटिटी एक्स्ट्रा पाव हाँ नीड एक्स्ट्रा पाव भाजी भाजी वो होता है। हाँ चलो ये भाजी है क्या? ये नहीं, ये चिली मसाला टमाटो मसाला। तो अभी हम लोगों की आ गई है चीज़ मसाला पाव भाजी और लोडेड विद चीज़, भाजी के ऊपर चीज़, भाजी के अंदर मसाला है और जो पाव है वो एकदम स्पाइसी स्पाइसी चटनी से भरे हुए हैं। एक बाइट लेते हैं, देखते हैं कैसा है। सही, दिस इज़ गुड बट आई फील दिस इज़ जस्ट गुड। पाव का आफ्टर टेस्ट अच्छा है काफ़ी मसाले का ना, भाजी इज लिटिल बिट ऑन द माइल्ड साइड, भाजी बहुत क्रीमी है, थोड़ी सी माइल्ड इन स्पाइसेस मतलब, बट जो पाव है पाव के अंदर जो मसाला है उनका आफ्टर टेस्ट जो है दैट इज़ लाइक दैट गिव्स अ रियली गुड लास्टिंग टेस्ट जीप पे ना, गुड आफ्टर टेस्ट। देखो खाने में दो टेस्ट होते हैं, एक तो पहले जो खाना खाते हो जो जीप पे आता है वो, और एक जो बाद में खाते हो। जो टेस्ट अगर पहले आता है वो कैसा भी हो, जो बाद में जो टेस्ट आता है ना दैट मैटर्स, क्योंकि बाद वाले टेस्ट से आपको अगले 5 दिन निकालने होते हैं। सो गाइस अभी हम लोग आए हैं, मेरे पीछे हैं एल्को, हम लोग हैं बैंड्रा में और हम लोगों ने यहाँ से लिया है भेलपुरी। बेसिकली एल्को फेमस है अपनी पानी पूरी के लिए, तो हम लोगों ने सोचा आए हैं तो दोनों चीज़ें खाते हैं, क्योंकि मुंबई सेंसिबल पीपल मैन, फर्स्ट टाइम एवर किसी ने मेरे को शूट करते हुए देखा और मुड़ के गया, दैट इज़ नाइस वन, दैट इज़ व्हाट आई लव अबाउट मुंबई। और कुछ लोग कभी नहीं सुधार सकते, अच्छी है भेलपुरी, डिसेंट क्रेप का फ्लेवर है, क्रंच है, कच्चा आम डाला उसका भी खटास आ रही है, स्पाइसी है। बट हमने वो कौन सी खाई थी बोरीवली में, जो पार्टी भेल जो हमने लोगों ने स्ट्रीट गोरमेट में खाई थी ड्राई फ्रूट वाली, अनबीटेबल, दिस इज गुड, दिस लाइक अ 8/10, दैट वाज लाइक अ 10/10। ठीक है, जस्ट ठीक है, ड्राई फ्रूट्स मिसिंग हो रहा है।
अब आपको कुछ बातें समझने की ज़रूरत है, जैसे मुंबई में मिलती है पानीपुरी, दिल्ली में मिलता है गोलगप्पे और कोलकाता में मिलता है पुचके, और मैंने तीनों अलग अलग जगह पे जाके तीनों चीज़ें खाई है। और अब मेरा ओपिनियन ये है कि मुंबई की पानीपुरी दोनों के मामले में थोड़ी फीकी पड़ जाती है, बट अगर आपको स्टिल बेस्ट पानीपुरी खानी है तो एल्को बैंड्रा में मिलती है। तो चार्जिंग 80 मेक सेंस। तो एल्को के बारे में एक दो और चीज़ें, सुपर सुपर एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट है ये, सबसे महंगी पानीपुरी थी आज तक की 80 रुपये की थी, 80 रुपये की मतलब पानीपुरी, और आई थिंक 120 रुपये की भेलपुरी थी, सुपर एक्सपेंसिव था बट पानीपुरी इज टोटली वर्थ इट। मुंबई में बेस्ट पानीपुरी एल्को की। कैमरा बड़ी द बेस्ट पार्ट इज जो बॉल है ना पानी, नहीं जो पूरी है इसको जस्ट मेल्ट इन माउथ, नॉट मेल्ट, आई मीन फोर्स नहीं लगता बिल्कुल भी खाने में, सुपर क्रिस्पी सुपर पतला, एंड दैट जब व्हेन यू सी द स्टफिंग में मूंग डालना है यू लाइक बट इट्स अ कंप्लीट पिक्चर, अमेजिंग। लेट मी गेट सम पानी, भैया थोड़ा पानी देना, फ्री पानी लेके ना लगता है कि हम लोगों ने पैसे वसूल करे हैं, वसूल। या आई एम मोर ऑफ अ आटा गोलगप्पा, नहीं लाइक सूजी, ये आटा है ना, बट सम प्लेसेस इट मेक सेंस। हाँ भैया, तीखा मीडियम कमी रखना। रिसर्च कर रहा था इंटरनेट पे, तो इंटरनेट पे एक ये नाम आ रहा था गुप्ता भेलपुरी, मैंने सोचा यहाँ से भी ट्राई कर लेता हूँ। एल्को वाली थी 120 रुपये की, ये भी बैंड्रा में ही था, ये थी 20 रुपये की, 100 रुपये का फ़र्क था भाई। अब हम लोगों ने ले ली और देखने में भी बहुत सही लग रही थी, मतलब इतना भर भर के आप जैसे देख सकते हैं पूरा एकदम पूरी प्लेट भर के दी है वो। एल्को वाली से क्वान्टिटी भी एकदम सेम साइज़ की थी, और यहाँ पर सेव जो है पूरे भर दिए सेव, तो ये जो है परफेक्ट एग्जांपल है कि अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव, जैसे कहते हैं ना इंग्लिश में कि जो दिखता है वो होता नहीं है। आगे चलो आपको पता चलेगा क्या हुआ हमारे साथ गुप्ता भेलपुरी में, और इश्प्रीत की जुबानी सुनो कि हुआ क्या एक्चुअली सही में, मतलब सुनो आगे। तो अभी हम लोग हैं बांद्रा में गुप्ता भेलपुरी वाले पे, एंड हम लोगों ने लिए एक भेलपुरी जो प्राइस बहुत रीजनेबल है, बहुत ज़्यादा ओनली 20 रुपीज़। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक बाइट निकाली है, घर पास आके अगर आप देखेंगे जस्ट लोडेड। लेट्स नेवर टॉक अबाउट दिस भेल अगेन, एवरीथिंग दैट वॉज लॉन्ग अबाउट दैट। तो अभी हम लोग आ रहे हैं गुप्ता भेल से जो थी बांद्रा में, 20 रुपये की भेल थी, मैं प्राइस देके बहुत खुश हो गया, बट ना सेफ करा रहा था, बस सेफ तो वॉज लाइक आई थिंक सेफ वॉज वेरी आर्टिफिशियल इशी, जो पफ था वो भी क्रिस्पी नहीं था, पापड़ी थी नहीं, चटनी आई डोंट नो, मजाक था क्या बाबा, शॉर्ट मत आना बाबा ने बोल दिया अब नहीं आना। तो दिल्ली में जैसे आपको गोलगप्पों में आलू के क्यूब्स डालते हैं, कोलकाता और मुंबई में आपको जो रेगुलर पुचकों में मसाला डलता है और जो रेगुलर पानीपुरी में बूंदी डलती है वो तो मिलता ही है, और आपको ये अक्रॉस इंडिया ये बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। अगर आप दिल्ली से हो तो आपने शायद ये कभी नहीं देखा होगा, इसे कहते हैं रगड़ा पानीपुरी। इसके अंदर बेसिकली जो आपका मटर होता है या छोले है उसको आप जो मर्जी बोलना चाहें, ये जो चीज़ है इसके अंदर मतलब पानी पूरी की जो पूरी होती है उसके अंदर ये डाल के देते हैं, और ये जो थी ठीक थी, अच्छा लगा मुझे, बट कोलकाता का पुचका कमाल का है। आप जो अभी देख रहे हैं वो है कमाल की चीज़ जो है छास, और मीनाक्षी टेंपल के बाहर मिलती है, 10 रुपये इसका रेट है, कमाल का है। जो रगड़ा भेल जो आपको रगड़ा मैंने पानीपुरी दिखाई थी वो भी मीनाक्षी टेंपल के पास में ही थी, मैं एक्सप्लोर कर रहा था वो एरिया, मंदिर के दर्शन भी कर रहा था जो आपको ट्रैवलिंग पाजी पे दिखाऊंगा। क्या कमाल की छास थी यार, मज़ा आ गया भैया, एक और देना ज़रा। मीनाक्षी टेम्पल के पास बहुत सारी खाने की चीज़ें भी है, आप खाना भी खा सकते हैं और मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। पेड़े मिलते हैं बहुत अलग अलग टाइप के, स्वीट्स क्योंकि मंदिर के पास का एरिया है तो स्वीट्स तो बहुत ही इंक्रेडिबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेड़ों की एकदम वैरायटी है पूरी। भैया क्या ये कंदी पेड़ा, क्या ये कंदी पेड़ा, कंदी पेड़ा किससे बना होता है, घोड़ा और मावा, घोड़ा और मावा, थोड़ा टेस्ट कराएंगे। क्या रेट है, 100 रुपये, 100 रुपये, कितना ग्राम है, 250 रुपये, मावा पेड़ा, मावा पेड़ा, और वो सफ़ेद वाला मलाई बर्फी, मलाई बर्फी। यहाँ से मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के बाद मैंने घर के लिए पैक भी करवा लिए पेड़े, कमाल के थे। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना, और नीचे मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इन सब में से सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा। मुझे जो इश्प्रीत ने यार, एक तो सबसे पहले ना शाउट आउट है इश्प्रीत को कि पूरी मुंबई सीरीज में ना इश्प्रीत ने मेरी बहुत हेल्प करी है। इश्प्रीत के इंस्टाग्राम लिंक्स यहाँ पे आ रहे होंगे, इश्प्रीत को जाके फॉलो करो
और यशप्रीत को जाके मैसेज करो और बोलो वेजी भाजी ने हमें तुम्हारे पास भेजा है, और उसको थैंक यू बोलो कि यशप्रीत की वजह से ये सारी वीडियोस में इतनी हेल्प हो पाई। यशप्रीत ने मुझे वो जो भेलपुरी वाली जगह लेके गया था ना, जहाँ पे उसने काजू खिलाया था बोरीवली में, काजू वाली भेलपुरी, ओए मतलब वो जो थी ना वो की टेक अवे थी, मतलब मुंबई में हो तो वो भेलपुरी ज़रूर खाना, और साथ में पावाची वगैरह सब बहुत अच्छा था, पर वो भेलपुरी और मीनाक्षी टेम्पल में जो मैंने आपको छाछ दिखाई थी, इतनी सिंपल सी छाछ थी, मतलब क्या बताऊँ, वो छाछ जो है ना वो बताती है कि सिंप्लिसिटी क्या चीज़ होती है। मतलब दुनिया ये डाल रही है वो डाल रही है, उसमें बस छाछ और काला नमक है, और दो ग्लास पी गया उसके बाद भी मन कर रहा था और पी जाऊँ, बस पेट में जगह नहीं थी। इसे कहते हैं खाना, और मुंबई जो है एकदम कमाल का टक्कर का खाना बनाता है, मज़ेदार है मुंबई जगह। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही वेजिटेरियन खाने की वीडियोस आती है हफ्ते में 4 बार अक्रॉस इंडिया से। अभी जा रहे हैं हम लोग जयपुर 24 से 30 मार्च, जयपुर में पूरा खाना हमारा खाएंगे, इन्जॉय करेंगे। और अगर आपने अभी तक ट्रैवलिंग बाजी को सब्सक्राइब नहीं करा तो उस पर कल आने वाली है मुंबई फूड गाइड की वीडियो, कि कैसे आप मुंबई में अपने 2 या 3 दिन जितने भी दिन मुंबई में घूम रहे हो, कैसे उसको एकदम निचोड़ के सबसे बढ़िया वेजिटेरियन खाना खा सकते हो। तो ट्रैवलिंग पाजी को जाके सपोर्ट दो, और ट्रैवलिंग पाजी को जाके बताओ कि वेजी पाजी ने आपको भेजा है वहाँ पे। हाँ, कल की वीडियो भी वेट करना, ट्रैवलिंग पाजी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है, मिस मत करना। मैं तन्मय फ्रॉम वेजी पाजी अभी निकलता हूँ किसी और बढ़िया वेजिटेरियन खाने की तलाश में, आप लोगों से बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एंजॉयिंग एंड ऑलवेज स्टे वेजिटेरियन। बाय बाय।